हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे आपको यूपी टेट की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के सिलेबस का, और ये जानेंगे कि हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सितंबर या अक्टूबर तक क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी कि अपने इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के सिलेबस और स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि यूपी टेट का सिलेबस है क्या और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, जो पहला टॉपिक है यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। यानी कि विकास क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, और विकास का सीखने से संबंध क्या है। इन सभी बातों को हमें जानना है, जिसको मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। एक एक टॉपिक को क्लियरली बताया जाएगा। जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग निरंतरता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा जिसे हमें यहाँ पे पढ़ना है, वो होगा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना है। साथ ही साथ हमें वंशानुक्रम क्या होता है ये जानना है। वंशानुक्रम के सभी नियमों को और वातावरण को भी हमें जानना है। अगला जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चों में कैसे होती है ये जानेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीन पियाजे, कुलबर्ग और लेव वाइगोस्की की थ्योरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, इन थ्योरीज में इन तीनों जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या क्या बातें कही और इनसे कैसे सवाल आते हैं ये भी आपको बताए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी इसी चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्र शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है ये जानेंगे, और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस के जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो एक कारक हो, बहु कारक हो, बहुबुद्धि हो, प्रतिरूप थ्योरी और सभी थ्योरीज को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो कि बुद्धि की होंगी। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज एंड थॉट को पढ़ेंगे जो कि यूपी टेट के सिलेबस में है। ठीक है, लैंग्वेज और थॉट यानी कि भाषा और चिंतन को पढ़ लेने के बाद हम लोग व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी जानेंगे और इस पर गहनता से अध्ययन करेंगे, और इससे कैसे कैसे सवाल यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं उनको भी बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, यानी कि अधिगम का मूल्यांकन जानेंगे, और उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है उसको भी पढ़ेंगे, यानी कि उपलब्धि का मूल्यांकन और प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है ये जानेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे विविध पृष्ठभूमि के जो बालकों होते हैं उनकी पहचान कैसे करना है, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक हो गए या फिर आपके पिछड़े बालक हो गए, मंद बालक हो गए, इन सभी बालकों की हम पहचान करेंगे, यानी कि आइडेंटिटी द चाइल्ड ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स को जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, इन सभी प्रॉब्लम्स को जानेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों में अधिगम की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती है उनको जानेंगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अधिगम के सभी सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत जिसको हम लोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, पावलाव का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, कोहलर का सूद या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत,
और बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और जो पावलोव का होगा वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा। इन सभी सिद्धांतों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कॉग्निशन एंड इमोशन यानी कि संज्ञान और संवेग को भी डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग इतनी बातों को डिस्कस करेंगे जो कि अक्टूबर तक लगभग समाप्त हो जाएगी, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों लगभग 80 से 90 वीडियोस पे हमारा ये आधारित होगा, जिसको आप लोग क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं। तो आप लोग हैदरी फ्री पॉइंट को YouTube पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताइए कि हैदरी फ्री पॉइंट जो कि न्यू YouTube चैनल है लेकिन अन अकेडमी पे लगभग 2 सालों से पढ़ा रहा है, इसके माध्यम से आपको यूपी टेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, पढ़ते रहिए, आप सबको एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएँ।